आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके ओके। तो प्रोफेसर जॉन ड्यूए की जयंती पीबीएसपी मनाने जा रहे हैं और कल से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सुलझे हुए हमारे विद्वान साथी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया, समझाने का प्रयत्न किया है, हम समझ भी गए हैं। मगर मैं देख रहा हूँ खुद के लिए कि जॉन ड्यूए बाबा साहब और हमारे महापुरुष, इनको समझना आसान इतना भी नहीं है जितना हम समझते हैं। अभी मेरे पहले विद्वान साथियों ने, रमेश चंदी मोहन सिंह ने, सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरह से उनका ज्ञान को समझाया, तथा मैं इस विचार से यह प्रतिपादित करना चाहता हूं कि मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा ओवरडोज हो जाए। क्योंकि जॉन ड्यूए को पहले समझना, समझकर समझाना, यह भी बहुत बड़ी मशक्कत है। तो मैं, मेरा वक्तव्य एक कंसेप्ट, एक कल्पना जो है उनकी, उससे ही संबंधित और सीमित रखता हूं, जो बाबा साहब ने भी उसका प्रतिपादन किया था, बाबा साहब ने भी बताया था, और प्रोफेसर जॉन ड्यूए जी, उन्होंने भी इसको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में 7वें चैप्टर में बताया है, वो है सोशल इंडोस्मोसिस। सोशल इंडोस्मोसिस उन्होंने वर्ड यूज किया है। मैं बस उसी कंसेप्ट के बारे में संक्षिप्त में मेरी बात रखूंगा। तो सहकारियों, आप सभी लोग अभी तक सुन चुके हैं जो 7वां चैप्टर है, जो डेमोक्रेटिक कंसेप्शन इन एजुकेशन, शिक्षा में लोकतांत्रिक अवधारणा, उसके बारे में भी अभी मेरे सहकारी ट्रेनर लोगों ने बहुत कुछ बताया, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और कई प्रकार के समाज है, शैक्षिक आलोचना और निर्माण के लिए एक मानदंड, एक विशेष आदर्श है, ये तो आपने सुना है। और इस कड़ी में इन्होंने, प्रोफेसर जॉन ड्यूए जी ने यह बताया कि दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जो सुलझा हुआ है, जो समझा हुआ है, वो आपस में विचार विनिमय करके अपने ग्रुप को आगे बढ़ाता है, एक दिशा की ओर लेके जाता है, तथा उस ग्रुप का अगर दूसरे ग्रुप के साथ उनके विचारों का बंटवारा हो जाए, उनके विचारों का आदान प्रदान किया जाए, तो यह सोशल इंडोस्मोसिस होता है। सोशल इंडोस्मोसिस मतलब सामाजिक अंतराभिसरण। दुश्मनों का भी सोशल इंडोस्मोसिस करके समरसता वगैरह कुछ कुछ बोल देते हैं, मगर हमारा जो है सोशल इंडोस्मोसिस का मतलब है सामाजिक अंतराभिसरण। तो सहकार्य, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, और इस साइंटिफिक वर्ड के साथ ऑस्मोसिस है, एग्जोस्मोसिस है और इंडोस्मोसिस है। तो इसमें ज्यादा हम न जाते हुए जितनी सरलता से हम इस बात को रखेंगे, उतना एक अच्छा
मार्ग होगा, द वे होगा। सोशल इंडोस्मोसिस मतलब जो प्राकृतिक प्रवाह और विचारों, मूल्यों, प्रथाओं, ज्ञान और ऊर्जाओं के आदान प्रदान जो समूह के बीच में है, समूह, अलग अलग समूह, जो बाबा साहब ने बताया गया कि ये स्तरीकृत जो फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, जो समाज है, जो अलगाव वाले हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सोशल इंडोस्मोसिस नहीं है, और सोशल इंडोस्मोसिस के कारण ही हम एक जातियां दूसरे जातियों के साथ, समूह के साथ एक दूसरे के विचार विनिमय करते हुए और विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को समृद्ध बना सकते हैं, तथा एक विचार दूसरे ही विचारों के साथ जुड़ सकते हैं। हमें कहना चाहिए कि महान सम्राट अशोका के समय में जब वर्ण का नाश किया और सभी ग्रुप जो समाज के हैं उनमें विचारों का आदान प्रदान होते गया, पंचशील तत्वों का आदान प्रदान होते गया, उस कारण वहां सामाजिक आर्थिक इक्वालिटी हो को देखने को मिला और उस तरह से हमने उसका परिणाम भी पाया। बाद में खत्म हो गया, उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो सामाजिक सोशल इंडोस्मोसिस जो बाबा साहब ने अपने लेखक लेखनों में लिखा है, उसका मेन मतलब यही है कि सामाजिक प्रतिष्ठा या अलग अलग प्रभाव होते हुए भी सामाजिक अंतराभिसरण के कारण हम समाज के एक जिंसी होमोजीनियस बन सकता है। जैसे ये साझा अनुभव ये समाज को लाभप्रद हो सकता है, तो इस तरह से ये सोशल इंडोस्मोसिस बहुत बड़ी संकल्पना है। बहुत इसमें जितने सूक्ष्म रीतिया जाएंगे उतना कम ही है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री में जिसका दिया है उदाहरण दिया है, व्याख्या दी है, डेफिनेशन दिया है, वो यह कहता है कि द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब संकेंद्रण, संकेंद्रण, तो जहां लेसर कॉन्सेंट्रेशन है उसके तरफ वो फ्लूइड, वो तरल पदार्थ बह जाता है और दोनों को इक्वल कह जाता है। जैसे कि राइसिन है, मनुका, मनुका तो सूखा हुआ रहता है, उसको आप पानी में डाल दो तो वो क्या, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, जो द्रव पदार्थ है वो अपने उनके जो अंग है उसमें अब्जॉर्ब करते हैं, तो द्रव पदार्थ अब्जॉर्ब करने से वो फूल जाता है, फूक जाता है, और जो हायर कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड है वो लेसर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है। इसी तरह से सामाजिक अभिसरण में भी हमारे पास जो जातियां हैं उनमें कम विचार है, कम सोच है, कम शिक्षा है, उसमें जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, फर्ज कीजिए हमारा भी एक वर्ग ऐसा है जो गांव में रहता है, जो शहरों में रहता है, शहरों का वर्ग पढ़ा लिखा हुआ है, तो उन्होंने भी ये अपने दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर यह सामाजिक अंतराभिसरण की बहुत जरूरत है, और उसी कारण समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण होने में मदद होगी। तो
इस के साथ मैं आप लोगों को ज्यादा सोचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और मैं भी सोचने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है, तो इसके साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन पूरा करता हूं। जय भीम, थैंक यू। धन्यवाद सर, गमरे सर, धन्यवाद, वेरी नाइस सर।